तो भाई जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको ऑलरेडी इस बात का पता होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से एक बात बोल रहा था सभी लोगों को कि मैं एक अपना अमेजोन का सेलर अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ, जिसके बाद हम अमेजोन पे ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को भी बार बार मोटिवेट कर रहा था कि आप भी अपना एक अमेजोन सेलर अकाउंट ओपन करवा लेना। क्योंकि अभी मैं पता है क्या है, अभी काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि यूरोप जाने वाला था ना ये भाई, तो यूरोप क्यों नहीं जा रहा है। तो इसका रीजन का, इसका जवाब भी मैं आपको वीडियो में बने रहो इसमें बताता रहूंगा मैं आपको। सबसे पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ कि अपन ने अभी तक करा क्या क्या है। तो ये देखो, ये अपना कुछ सामान है जो कि मैंने अलीबाबा से ऑर्डर करवाया है। इसमें अपने फ़ोन कवर है जो कि मैंने अपने, ये देखो, ये अपना एप्पल के फ़ोन के लिए भी ये कवर है, ठीक है, मंगवाया मैंने, जो कि इसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट मेरे को पड़ी थी 30 दिरहम की, और इसको सेलिंग कर रहे हैं हम अराउंड 100 दिरहम का। इसका मतलब अभी ये नहीं है कि आप सोचोगे कि भाई ये अमेजोन पे कैसे बेच रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि ये हमें बल्क में ख़रीदने पड़ते हैं। अभी बल्क में ख़रीदने का, अभी आप ये देखो पूरा सिस्टम, इसमें कितने सारे, मतलब पूरा बॉक्स इसका भरा पड़ा है। इसके अलावा मैंने पोर्टेबल चार्जर भी ओपन करवाए थे, मतलब ये देखो एप्पल के फ़ोन के चार्जर्स हो गए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है अभी, जैसे कि रूम डेकोर की चीज़ें आने वाली है, जिसमें हम रूम में ये जो RGB लाइट्स वगैरह लगाते हैं, और काफ़ी अदर डॉक्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, जैसे कि हमें कोई डॉक्यूमेंट्स संभालने, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई है, वो आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखते रहेंगे। बेसिकली मैं इस व्लॉग में बस यही बताना चाहता था कि मैंने ये ब्यूटीफुल सा एक स्टूडियो, छोटा सा प्यारा सा रूम ले लिया है, चारों तरफ काम चल रहा है। ये देखो यहाँ पे भी अपनी वीडियो चल रही थी यूट्यूब की, और उसमें थोड़ा बहुत काम चल रहा है, जो कि जूम इन में दिखाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा बहुत काम चल रहा है, और इसमें एक और अकाउंट क्रिएट होने वाला है। तो मतलब इस महीना मेरे को पूरा काम करना है, मतलब पूरा महीना, अगर इस रूम लिया ना मैंने तो उसको वसूल करना है। ये नहीं है कि खाली बैठ के मैं आराम से बस चिल करता रहूं। यही बात मैं आप लोगों को भी समझाना चाहता था हमेशा ही, कि हमें खाली नहीं बैठना है। अगर हम विदेश में आए हैं, कोई भी छोटी जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको उस जॉब पे डिपेंड ना रह के आपको वो काम करना है जो कि आपका एक सपना है। और डिजिटल, एज ऑलवेज मैं हमेशा से आपको बताता रहा हूँ कि डिजिटल में अपनी पूरी नॉलेज क्रिएट कर ले, उसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेटवर्क क्रिएट करना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो बेसिकली अभी बस एक ही प्रॉब्लम है इस रूम में, कि जो इसकी लाइटिंग है वो थोड़ी वीक है। एक तो मेरे को इसके रूम की लाइटनिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और दूसरा यार ये पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। आई गेस मेरे को लगता है कि आपको भी इरिटेट कर रहा होगा। वट एवर इट इज़, ये फर्स्ट व्लॉग था, बस अभी आपको मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखनी है, मेरे साथ रह के मैं आप लोगों की भी लाइफ इंप्रूवमेंट करता रहूँगा, और साथ में व्लॉग्स भी बनाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा कैसे शारजा में क्या कुछ चलता रहता है। तो फ्यूचर में आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और उसके साथ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और कमेंट में कोई भी किसी तरह का सजेशन है तो वो भी आप मेरे को दे सकते हैं। और अभी आ जाते हैं, अपने एक बात तो बताना भूल ही गया कि मैंने यूरोप का क्या सिस्टम रहा है, कि मैं अभी यूरोप का क्या चल रहा है उसके बारे में बता देते। तो भाई यूरोप की बात कुछ ऐसी है, जैसे कि मैंने लास्ट वीक उनसे ये पूछा था कि मेरा वर्क परमिट क्या रहा, आप बोल रहे थे इस महीने के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, और ऑलमोस्ट दूसरा वीक भी खत्म होने को है, तो क्या कुछ चल रहा है भाई मेरे को बता दो। तो उन्होंने फिर से मेरे को बता दिया कि सर प्लीज़ एक वीक और इंतज़ार कर लो, बस आपका रेडी तो है, आपको दिखाया तो था, फोटो दिखाई थी, बस वो यहाँ पे डिस्पैच नहीं हो पा रहा। उसका रीज़न क्या है कि सिर्फ 500 ग्राम ही हम एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मतलब 500 ग्राम ही होता है ना कागज़ का वेट, जो DHL वाले होते हैं, फोरेक्स वाले होते हैं, सो ओनली 500 ग्राम ही एक्सेप्ट करते हैं। तो जब तक वो वर्क परमिट आएगा, वर्क परमिट तो आ गया, मान लो कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ की कन्फ्यूजन हो जाती है कि बस वर्क परमिट ही सब कुछ है, कि अगर वर्क परमिट आ गया उसके बाद हम सीधा पहुँच गए, ऐसा नहीं है भाई, उसके लिए फिर वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और वो वीज़ा अपॉइंटमेंट की डेट आई गेस, मैंने वैसे काफ़ी भाईचारों से बात कर रखी है, मेरे काफ़ी भाई इंडिया में भी है, कतर में भी है, और दुबई में भी है, तो मैंने तीनों से बात करके रखी है। वो बोले कि एक बार तेरा वर्क परमिट तो आ जाए, उसके बाद हम आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए देख सकते हैं कि उसका क्या ऑप्शन हो सकता है। तो एक बार बस वर्क परमिट की वेट करते हैं। और ये अमेजोन का जो काम है, मैं यहाँ दुबई में स्टार्ट करके चला गया, उसके बाद चाहे मैं दुनिया की किसी भी कंट्री में बैठा हूँ, मेरे को क्या करना है, सीधा सामान अलीबाबा होलसेल मार्केट से मंगवाना है, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुँचाना है, बस अपने अपने आप ही ऑर्डर आते रहेंगे, मेरे को बस लिस्टिंग करनी है, अपने आप ही ऑर्डर आएंगे, अपने आप ही ऑर्डर जाएंगे, और जो पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में आता रहेगा।
दूसरे चीज क्या करके जाऊंगा, मैं यहाँ का रेजिडेंस वीजा लेके जा सकता हूँ। अगर इन फ्यूचर अच्छा बिजनेस चल गया अमेजोन का, तो फ्रीलांस वीजा लेके मैं यहाँ की रेजिडेंसी लेके मैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा सकता हूँ। तो ये फ्यूचर प्लान है, आई होप समझ गए होगे। जो भाई भी समझ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो नेक्स्ट फ्यू वीडियोज में आपको पता चलता रहेगा। कमेंट करके पूछ लेना, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लव्ड इट। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।